मेरे पास कैंसर पेशेंट अक्सर आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको मैं करके इमीडिएटली पता चल जाए कि मेरे कैंसर में कौन सी दवाई काम करेगी और कौन सी नहीं काम करेगी, ताकि मैं सिर्फ वही दवाई लूं जो मुझ पे काम करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा ही टेस्ट जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या NGS। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DN फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों आज का इरा को हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का इरा बोलते हैं, और प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि हर कैंसर पेशेंट का ट्यूमर दूसरे कैंसर पेशेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है और उसमें दूसरी ट्रीटमेंट काम करेगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये हम आइडेंटिफाई करें कि किस पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज मेरी ओपीडी में 100 लंग कैंसर के पेशेंट घुसते हैं, तो आज का डेटा ये कहता है कि उस 100 में से एक तिहाई पेशेंट ऐसे है जिसमें टारगेटेड थेरेपी की गोलियां काम करेगी, एक तिहाई पेशेंट ऐसे है जिसमें इम्यूनोथेरेपी की दवाई काम करेगी, और एक तिहाई पेशेंट ऐसे है जिसमें मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी रहेगी। इनफैक्ट जो एक तिहाई पेशेंट टारगेटेड थेरेपी वाले हैं, उसमें भी डेटा ये कहता है कि 25% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें टारगेटेड थेरेपी ए काम करेगी, 5% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें टारगेटेड थेरेपी बी काम करेगी, 2% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें टारगेटेड थेरेपी सी काम करेगी, 2% पेशेंट ऐसे हैं टारगेटेड थेरेपी डी काम करेगी, एंड सो ऑन। एक बड़ी सी लिस्ट है टारगेटेड थेरेपी की जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट में कौन सी थेरेपी यूज करनी है और कौन सी थेरेपी नहीं यूज करनी है, क्योंकि यदि हम कोई ऐसी थेरेपी पेशेंट को दे जिससे उसको कोई फायदा नहीं है, तो ना केवल पेशेंट को उस थेरेपी के साइड इफेक्ट और खर्चा सहना पड़ेगा, पर पेशेंट को कोई फायदा भी नहीं होगा और वो ऐसी थेरेपी का फायदा नहीं उठा पाएगा जो उसकी जान बचा सकती है। तो दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर को हेल्प करता है इन थेरेपीज को डिलीमिनेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं DNA सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या NGS। तो दोस्तों एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि NGS के बारे में क्या पहलू है जो पेशेंट को पता होने चाहिए और किस तरह डॉक्टर इस टेस्ट को यूज करते हैं। तो हम आपके सारे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, जैसे कि नंबर 1, NGS क्या होता है, नंबर 2, NGS कराने के पेशेंट को क्या फायदे हैं, नंबर 3, NGS कराने के क्या नुकसान या क्या लिमिटेशंस है, नंबर 4, यदि NGS अवेलेबल है तो क्या हर पेशेंट को हर कैंसर में NGS कराना चाहिए, नंबर 5, यदि NGS कराने के लिए ट्यूमर का टुकड़ा अवेलेबल नहीं है तो क्या तब भी पेशेंट NGS करा सकता है, नंबर 6, NGS की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, और नंबर 7, NGS करने में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों एक एक करके हम इन सारे टॉपिक से डील करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि NGS क्या होता है। तो दोस्तों NGS यानी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक नया तरीका है कैंसर पेशेंट को टेस्ट करने के लिए, जिसमें कैंसर का DNA निकाल के, जो कैंसर सेल होते हैं उनको तोड़ के उनका DNA निकाल के एक मशीन में फीड किया जाता है जो बायोइनफॉर्मेटिक्स से पढ़ लेती है कि उस ट्यूमर में क्या एबनॉर्मलिटी है। तो यदि हम ब्रीफली आपको समझाएं, तो एक नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल में बदलता है तो उसके DNA के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां होती है जो उसको नॉर्मल से कैंसर में कन्वर्ट करता है। तो NGS वो सारी गड़बड़ियां पढ़ लेता है और डॉक्टर को एक लिस्ट निकाल के दे देता है कि इस ट्यूमर के DNA में ये सब गड़बड़ियां है, और इनमें से कई गड़बड़ियों को हम विभिन्न तरीकों से जैसे कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से टारगेट कर सकते हैं ताकि पेशेंट का बेहतर इलाज किया जा सके ज्यादा एफिकेसी और कम साइड इफेक्ट से। तो NGS के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, NGS एक बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का कि पेशेंट के ट्यूमर में कौन सी टारगेटेड थेरेपी या कौन सी इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट को हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट का बेनिफिट दे सके, जिसके जिसका उस पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छा बेनिफिट हो और साइड इफेक्ट कम हो। तो नंबर 2 क्वेश्चन हम ये आंसर करेंगे कि NGS के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों NGS का फर्स्ट फायदा है कि NGS पेशेंट को कीमोथेरेपी से बेटर ट्रीटमेंट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी एक कैंसर ट्रीट करने का पुराना तरीका है जिसका अपना प्लेस है अलग अलग कैंसर में, परंतु इसके कई डिसएडवांटेज होते हैं, जिनमें से चीफ है कि कीमोथेरेपी के काफी साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट अवॉइड करना चाहते हैं, और दूसरा कीमोथेरेपी का बेनिफिट यूजली शॉर्ट होता है, कीमोथेरेपी से लॉन्ग बेनिफिट नहीं मिलता हर कैंसर में। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी जैसे कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स है जिनका बेनिफिट यूजली ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है विद लेस साइड इफेक्ट। तो दोस्तों यदि आप इन थेरेपीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अन्य वीडियोज आप देख सकते हैं, आप थेरेपीज के बारे में जान सकते हैं। तो इन थेरेपीज का गेट खोलने वाली यूजली टेक्नोलॉजी NGS या उससे कोई रिलेटेड टेक्निक होती है जो हमें बताती है कि पेशेंट में थेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी।
नंबर टू बेनिफिट ऑफ एनजीएस है कि इट अलाउज पेशेंट को, यदि ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है तो एनजीएस से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं कि ए बेटर है, बी बेटर है या सी बेटर है, हालांकि हर डिसीजन पॉइंट पे एनजीएस हेल्प नहीं करता। नंबर थ्री, यदि कोई पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट चल रही थी और वो ट्रीटमेंट अचानक काम करनी बंद हो गई तो एनजीएस आपको हेल्प कर सकता है पता करने में, ट्रीटमेंट काम क्यों नहीं कर रही, डीएनए में क्या चेंज आया है जो सेल पहले ट्यूमर से, जो सेल पहले ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो रहा, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, इसमें क्या डीएनए की नई गड़बड़ी आई है, ये चीज आप एनजीएस से पता कर सकते हैं और उससे हम ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और नंबर फोर, एनजीएस से कई नई रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं उनके रस्ते एनजीएस से ही खुलते हैं, क्योंकि आजकल रिसर्च ज्यादा से ज्यादा प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की तरफ है। तो इंस्टेड ऑफ यदि हमारे पास कोई नया ड्रग आया है तो हर लंग कैंसर में ट्रीट उस ड्रग को यूज करने से अच्छा आजकल थ्रस्ट ये रहता है कि जिस पेशेंट में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है जिस पे वो ड्रग काम करेगा उसी म्यूटेशन वाले पेशेंट को वो ड्रग ट्राई किया जाए। तो कई नए रिसर्च ट्रीटमेंट एनजीएस के वजह ही खुलते हैं और ये एनजीएस का एक मेजर एडवांटेज है। तो पर एनजीएस के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते, एनजीएस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो नंबर वन डिसएडवांटेज एनजीएस का ये होता है कि एनजीएस हर ट्यूमर में हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कई पूरी बॉडी का स्क्वामस सेल कार्सिनोमास जैसे कि सर्विक्स का, एनस का, एसोफेगस का या मुंह का, एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें एनजीएस का बहुत अच्छा यील्ड एज ऑफ टुडे नहीं देखा गया है, क्योंकि उसमें जो म्यूटेशन मिलती है यूजुअली उनके लिए कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो एनजीएस हर पेशेंट में करने का फायदा नहीं है, कुछ ही कैंसर में एनजीएस का फायदा है और हर कैंसर में इसका बेनिफिट नहीं है। नंबर टू, एनजीएस यूजुअली कीमोथेरेपी का फायदा नहीं बताती। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पेशेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है तो वो इन्फॉर्मेशन एनजीएस से नहीं मिलती। एनजीएस का मेजर फोकस टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज पे है, तो इसीलिए एनजीएस यूजुअली ये नहीं बताता कि पेशेंट को कीमोथेरेपी से कितना फायदा है। ये यूजुअली इसका फोकस ज्यादा नई कैंसर थेरेपीज यानी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी की तरफ होता है। नंबर थ्री, एनजीएस के लिए ट्यूमर का टुकड़ा चाहिए होता है। तो कई पेशेंट का कैंसर का डायग्नोसिस एफएनएसी के बेसिस पे होता है, परंतु उसमें इतना डीएनए नहीं होता कि उसको निकाल के उसका एनजीएस किया जा सके। इसीलिए एनजीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रिलेटिवली नया, यानी बहुत पुराना नहीं, माना 10 साल पुराना टुकड़ा है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, एक रिलेटिवली नया फ्रेश ट्यूमर का बायोप्सी का पीस हो जिसकी एनजीएस की जा सके। हालांकि ट्यूमर बायोप्सी के बिना भी एनजीएस कुछ केसेस में कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और नंबर फोर है कॉस्ट। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट एनजीएस की लिमिटेशन ये है कि एज ऑफ टुडे एनजीएस अभी भी एक कॉस्टली टेस्ट माना जाता है, हालांकि उसका कॉस्ट ग्रेजुअली कम हो रहा है, जैसे कि हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको बताएंगे कि एनजीएस को कैसे अफोर्डेबल रेट पे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि यदि मेरे को कैंसर है तो क्या मुझे एनजीएस कराना ही चाहिए? तो इसका आंसर अगेन, जैसे हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया, हर कैंसर और हर ट्यूमर में एनजीएस का फायदा नहीं होता और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसलिए एनजीएस आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही करना चाहिए और हर पेशेंट को अपने कैंसर में एनजीएस के लिए नहीं भागना चाहिए। कुछ कैंसर में एनजीएस हेल्प करता है और कुछ कैंसर में एनजीएस नहीं हेल्प करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली हम फेस करते हैं वो ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बायोप्सी का टुकड़ा नहीं है और वो बायोप्सी नहीं कराना चाहते, तो क्या ऐसे पेशेंट का भी एनजीएस हो सकता है? तो दोस्तों, हैप्पी टू से कि आज के एरा में ऐसे पेशेंट का भी एनजीएस हो सकता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी विद एनजीएस। और उसमें क्या होता है कि बॉडी में कहीं पे भी कैंसर है तो वो ब्लड के अंदर अपना कैंसर का डीएनए छोड़ता है और एक ब्लड सैंपल से आप उस डीएनए को निकाल के उसके ऊपर एनजीएस कर सकते हैं। पर ब्लड यानी लिक्विड बायोप्सी के बहुत सारे लिमिटेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करीब 30-40% पेशेंट ऐसे होंगे जिनके ब्लड में ट्यूमर का डीएनए नहीं होगा और उनमें एनजीएस फेल हो जाएगा। साथ ही जितनी म्यूटेशन आप एक टुकड़े में चेक कर सकते हो उतनी म्यूटेशन आप ब्लड में नहीं चेक कर सकते। इसलिए आइडियली आज के जमाने में भी एनजीएस बेस्ट एक ट्यूमर के टुकड़े में किया जाता है और ना कि ब्लड पे। परंतु यदि टुकड़ा पाने का कोई तरीका नहीं है तो ब्लड पे एनजीएस किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोबेबली आपके माइंड में एनजीएस से रिलेटेड होगा वो शायद ये होगी, एनजीएस की रिपोर्ट, चलो हमने एनजीएस कर लिया, रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गई, तो क्या मैं एनजीएस की रिपोर्ट में पढ़ के बता सकता हूँ मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए? तो दोस्तों, एनजीएस की रिपोर्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि पेशेंट को कौन सा जीन में डिफेक्ट है, किस जेनेटिक डिफेक्ट के लिए ड्रग अवेलेबल है, यदि दो जेनेटिक डिफेक्ट एक साथ है तो वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या दोनों पाथवे को ब्लॉक करने की जरूरत है, किस पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी देनी है, किस पेशेंट को कौन सी टारगेटेड थेरेपी देनी है। तो ये इंटरप्रिटेशन एक ऐसा काम है जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर स्पेशलिस्ट ही कर सकता है।
तो यदि आपको अपने एनजीएस की रिपोर्ट मिली है तो मेरा सजेशन है कि आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से अपनी रिपोर्ट डिस्कस करें। कभी कभी इनफैक्ट इवन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को कभी कभी एडिशनल लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है एनजीएस की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए, जिसको मोलिकुलर ट्यूमर बोर्ड या मोलिकुलर ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एनजीएस की रिपोर्ट पढ़ने के लिए अमेरिका के किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़े या चार पांच डॉक्टर को मिलकर रिपोर्ट पढ़नी पड़े। तो एनजीएस की रिपोर्ट ऐसी नहीं होती कि पेशेंट खुद पढ़ के अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके, तो ऑलवेज एनजीएस की रिपोर्ट पढ़ने के लिए अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस नई टेक्नोलॉजी का कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली होती थी। मुझे याद है कि 4-5 साल पहले की बात है कि हम पेशेंट देख के डिस्कस करते हैं कि इसका रेस का एनजीएस कराना कैसा कैसा आएगा। तो पहले एनजीएस के लिए हमें सैंपल अमेरिका भेजना पड़ता था या हांगकांग भेजना पड़ता था और खर्चा लाखों में होता था। पर फॉर्चुनेटली आज के जमाने में ये टेस्ट इंडियन लैब भी करती है और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पैनल इस टेस्ट का कॉस्ट 8,000 से लेकर 70,000 के करीब इंडिया में होता है। तो छोटे पैनल में कम जीन टेस्ट होते हैं पर खर्चा कम होता है, बड़े पैनल में ज्यादा जीन टेस्ट होते हैं पर खर्चा ज्यादा होता है। हर पेशेंट को बड़े पैनल की जरूरत नहीं है, कुछ पेशेंट का काम छोटे पैनल से भी चल जाते हैं। तो अगेन जब भी आपका सैंपल एनजीएस में जाए इंपॉर्टेंट है आप अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करें और डिस्कस करें कि आपको छोटे पैनल की जरूरत है, बड़े पैनल की जरूरत है और कितना खर्चा करने की जरूरत है और विभिन्न टेस्टिंग लैब्स के विभिन्न पैनल में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड है ये एडवाइस उनसे लेके ही अपना एनजीएस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हुई और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिली हुई जो आपको हेल्प करे। तो दोस्तों हमारे चैनल का गोल ये है कि इंडिया के हर पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में वर्ल्ड के बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर इलाज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेस कर सके। तो यदि आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़े। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है, तो आप वीडियो कमेंट्स से, स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।